हेलो फ्रेंड्स, हेमलेट के कैरेक्टर्स के बाद आज हम स्टडी करेंगे हेमलेट की कोट्स। और फ्रेंड्स, कोटेशन एक्चुअल में ऐसा टॉपिक होता है जो हमें लर्न करना सबसे डिफिकल्ट होता है। एक्चुअल में होता क्या है, हम उसको गलत तरीके से लर्न करते हैं। हम उसको लेते हैं और लर्न कर लेते हैं कि ये कोटेशन किसकी है, ये हेमलेट में है, ये कोटेशन हेमलेट में है, ये ट्वेल्थ नाइट में है, ये मिडसमर नाइट ड्रीम में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कोटेशन को मैं कहूँ कोटेशन सबसे इजी पोर्शन है लर्न करने के लिए, तो शायद आप सरप्राइज्ड होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ऐसा ही काम करते हैं, आज हम कोटेशन को लर्न करेंगे लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। देखिए, कोटेशन अगर हम उसको साथ साथ एक्सप्लेन कर लें कि किसने कही और क्यों कही, तब हमारा काम कहीं ज्यादा आसान हो जाता है और कोटेशन हमें इजिली याद हो जाती है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी ही बात करते हैं। हम हेमलेट की कोटेशंस हैं, कुछ कोटेशंस हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली ये कोटेशन है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है फ्रेलिटी थाई नेम इज वूमन। बड़ी कॉमन कोटेशन है, आपने सुनी है, आपको पता है, आपको लर्न भी है, फेल्टी दाई नेम इज वुमन। और फ्रेंड्स, यहाँ कौन कह रहा है, यहाँ हेमलेट की एक सोलिलोकी है ये, और हेमलेट यहाँ कह रहा है जो उसकी मदर है जर्टूड, वो हेस्टी मैरिज जो कर लेती है। जर्टूड की हेस्टी, हेस्टी से मतलब क्या है, वो बहुत जल्दी मैरिज कर लेती है। हेमलेट के फादर को मरे हुए भी 1 महीना भी नहीं बीतता कि वो उससे अपने उसके चाचा से, और चाचा का नाम क्या है फ्रेंड्स, क्लाडियस, क्लाडियस से वो शादी कर लेती है। तो इसी बात पे हेमलेट कह रहे हैं कि फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन। और फ्रेल्टी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रेल्टी होती है देखिए वीकनेस, चाहे वो आपकी कैरेक्टर में वीकनेस हो या आपकी मॉरल में वीकनेस हो। क्लियर फ्रेंड्स? तो वीकनेस यानी नैतिकता में जो कमी है, जो कमजोरी है, उसको फ्रेल्टी कहा जाता है। फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन की महिला नारी जाति तू तो कमजोर होती है। क्लियर फ्रेंड्स? कमजोरी तेरा नाम ही नारी है, इस बात को हेमलेट कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं फ्रेंड्स, जर्टूड की हेस्टी मैरिज पे वो कह रहे हैं। हेमलेट ओन हेस्टी मैरिज ऑफ जर्टूड। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? इसके बाद एक और कोटेशन लेते हैं हम, नाइदर अ बोरोअर नोर ए लेंडर बी। नाइदर अ बोरोअर अब देखिए यहां बोरोअर कहते हैं, बोरो कहते हैं उधार लेना और लैंड कहते हैं उधार देना, कि ना तो उधार लो और ना उधार दो। और आगे इसमें और कहा गया है कि ये जो उधार देना और लेना है, ये रिलेशन को खराब कर देता है। फैक्ट भी है फ्रेंड्स, अगर हम उधार देते हैं, और कहा जाता है कि उधार लेना तो मित्रता के लिए होता है, मित्रता करा देता है, लेकिन जब उधार आप लेते हैं वापस तो वो शत्रुता करा देता है। क्लियर? तो ना तो उधार दो और ना उधार लो। और ये किसने कहा है फ्रेंड्स, पोलोनियस ने कहा है, और किससे कहा है, लाल्टर से। पोलोनियस लाल्टर को समझा रहा है कि ना उधार दो और ना उधार तो लो। क्लियर है फ्रेंड्स? समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि डेनमार्क के स्टेट में, डेनमार्क राज्य में कुछ रोटन है। और रोटन का मतलब होता है फ्रेंड्स गला हुआ, सड़ा हुआ, यानी कुछ वहां ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। क्लियर फ्रेंड्स? कुछ गल रहा है, कुछ खराब हो रहा है स्टेट में, किसमें, डेनमार्क में। ये कहता है फ्रेंड्स, मर्सिलस कह रहा है होरेशियो से।
वो कह रहा है कि डेनमार्क में कुछ अनहोनी हो रही है, कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है. रिवेंज इज फाउल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर, कि बदला ले लो रिवेंज इज फाउल एंड अननेचुरल मर्डर. अब देखिए कौन कहता है इस बात को. एक्चुअल में क्या होता है फ्रेंड्स, जो गॉस्ट होता है, भूत होता है, वो हैमलेट को दिखाई देता है और वो उससे बात करता है. उसके बाद की ये उन दोनों का कन्वर्सेशन है. ये जो कोटेशन है, रिवेंज इज फाउल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर. एक्चुअल में क्या है, जो हैमलेट के फादर थे, उनकी जब डेथ हो गई थी, उनका मर्डर कर दिया था, तब उनका भूत जो है वो आके हैमलेट से कह रहा है. क्या कह रहा है, जब वो कह रहा है कि अपने फादर की मौत का बदला लो. क्लियर, रिवेंज बदला ले लो, हिज फाउल उनकी गंदी और मोस्ट अननेचुरल जो डेथ रही है, जो उनकी खराब डेथ रही है, गंदी डेथ रही है, जो उनको मर्डर किया गया है, उसका तुम बदला ले लो. क्लियर फ्रेंड्स, कौन कह रहा है, गोस्ट टू हैमलेट. बात क्लियर है फ्रेंड्स. चलिए, द सर्पेंट दैट डिड स्टिंग, कि जो सांप जिसने काटा है, थाई फादर्स लाइफ, तुम्हारे फादर को जिसने डसा है, नाउ वियर्स हिज क्राउन, वो अब उनका मुकुट पहने हुआ है, हुए है. देखिए कितनी प्यारी लाइन है, द सर्पेंट दैट डिड स्टिंग थाई फादर. कि वो सांप जिसने डसा है तुम्हारे फादर्स लाइफ, फादर की लाइफ को. और आगे कह रहा है, क्या कह रहा है, कि नाउ वियर्स हिज क्राउन. और फ्रेंड्स कौन कह रहा है इस बात को, ये भी गॉस्ट कह रहा है हैमलेट से. क्लियर है बात. और गोस्ट किसका गोस्ट है फ्रेंड्स, ये हैमलेट के फादर का गोस्ट है, वो भूत है. कह रहा है जिस सांप ने तुम्हारे पिता के जीवन को डसा है, और सांप की तुलना किससे कर रहा है, उसके चाचा से वो सांप की तुलना कर रहा है. बात क्लियर है फ्रेंड्स. फादर्स लाइफ नाउ वियर्स हिज क्राउन, कि जिसने तुम्हारे फादर की लाइफ को डसा है, जिसने तुम्हारे फादर की हत्या की है, तुम्हारे फादर को मारा है, अब वो उन्हीं का मुकुट पहने. क्लियर है बात. यानी सीधा सीधा सा जो गॉस्ट है वो यहाँ हिंट दे रहा है कि हैमलेट के फादर की जो डेथ है, जो वो कैसे हुई है. बात क्लियर हुई फ्रेंड्स, ये समझ में आ रही होंगी. और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब भी इनको लर्न कर रहे हैं, ये साथ में याद करते चले किसने कही और किसको कही. और मैं ये श्योर कर सकता हूं आपको कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद एक बार और वीडियो लेक्चर दो बार आप देख लेंगे, तो आपको एक भी कोटेशन ऐसी नहीं होगी जो आपको लर्न ना हो जाए. आप ट्राई करके. जब हेमलेट का जो हेमलेट के साथ जो गॉस्ट है उसके फादर का, वो अलग हो जाता है, तब एक कोटेशन हेमलेट खुद कहते हैं. वो कहते हैं कि द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट, ओ कास्ट स्पाइट दैट हैव आई वॉज बॉर्न सेट इट राइट. वो कहते हैं कि जो टाइम है वो आउट ऑफ ज्वाइंट. यानी जो समय है वो बड़ा खराब है. द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट, ओ कर्स्ड स्पाइट. और फ्रेंड्स यहां एक वर्ड्स वर्ड आया है, इस कर्स्ड. कर्स्ड कहते हैं, कर्स्ड तो जानते हैं आप, अभिशाप होना. और स्पाइट, स्पाइट का जो मतलब होता है फ्रेंड्स, वो होता है विद्वेष, मनमुटाव और विद्वेष. क्लियर, दैट एवर आई वॉज बॉर्न देखिए क्या कह रहे हैं, कि जो समय है वो आउट ऑफ जॉइंट, वो बड़ा खराब है, वो कर्ज स्पाइट, अरे विद्वेष, अरे दुर्भाव. दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट.
कि मैं इसको सही करने के लिए पैदा हुआ हूं। क्लियर फ्रेंड्स? और हैमलेट खुद कह रहे हैं जब वो गॉस्ट जो है वो चला जाता है, और इसी के साथ वो क्या करते हैं, एक सॉर्न करते हैं, वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब मैं अपना जो फादर की डेथ हुई है, फादर का जो मेरे मर्डर हुआ है, उसका मैं बदला लूंगा। क्लियर है बात? तो ये बदले की बात यहां हैमलेट के मन में आती है और वो इस कोटेशन को यहां कहते हैं, द टाइम इज आउट, ब्रेविटी इज द सॉल ऑफ विट, कि जो अल्पता होती है, जो संक्षिप्तता होती है, वो जो विट है, जो बुद्धि है, बुद्धि की आत्मा होती है। क्लियर फ्रेंड्स? ब्रेविटी इज द सॉल ऑफ विट, और कि जो अल्पता है, जो संक्षिप्तता है, वो क्या है, बुद्धि की आत्मा होती है। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये जो कोटेशन है, ये पोलोनियस कहते हैं, और किससे कह रहे हैं, वो किंग और क्वीन दोनों साथ हैं और उनसे ये बात वो कह रहे हैं। और एक्चुअल में क्या है, पोलोनियस ये बता रहे हैं किंग और क्वीन को कि जो हैमलेट है, हैमलेट की जो मैडनेस का कारण क्या है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब वो इस बात को कहते हैं। क्लियर है बात? पोलोनियस टू किंग एंड क्वीन। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडनेस इन ग्रेटनेस वंस मस्ट नॉट अनवॉच्ड गो, कि जो पागलपन होता है महान लोगों में, उसको अनवॉच नहीं किया जा सकता। क्लियर फ्रेंड्स? मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट Unwashed, madness in great ones must not unwashed go, कि जो पागलपन होता है महान लोगों में, बड़े लोगों में, उसको आप अनवॉच नहीं कर सकते, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो कौन है फ्रेंड्स? यहां क्लॉडियस कह रहा है पोलोनियस से। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? कोटेशन क्लियर हो गई है। ओ माय ऑफेंस इज रैंक, इट स्मेल्स टू हेवन, देखिए यहां क्या बात कह दी है, वो कह रहा है, यहाँ कौन कह रहा है कि मेरा जो ऑफेंस है वो इतना बड़ा है, इतने ऊंची क्वालिटी का है, इतना बड़ा मैंने ऑफेंस कर दिया है, इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि इट स्मेल्स टू हेवन, कि इसकी जो गंध है वो स्वर्ग तक जा रही है, स्वर्ग तक इसकी गंध महसूस हो रही है। और क्या अपराध है फ्रेंड्स? यहाँ देखिए, यहाँ ये जो सोलिलो की है, यहाँ क्लॉडियस कह रहा है, और वो किससे कह रहा है, अपने ब्रदर की डेथ पर वो ये सोलिलो की कहता है। क्लियर? उसने अपने भाई को मार दिया, उस अपराध को वो कह रहा है कि माय ऑफेंस इज रैंक, मेरा जो ऑफेंस है वो बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा अपराध मैंने कर दिया है, कि इट स्मेल्स टू हेवन, इसकी जो गंध है वो हेवन तक जाती हुई मुझे लगती है। क्लियर फ्रेंड्स? क्लॉडियस की सोलिलो की है। ऑन हिज ब्रदर्स डेथ। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ, अरे इस समय के आगे, माय थॉट्स बी ब्लडी और नथिंग बर्थ, मेरी जो थॉट है, मेरे जो विचार हैं, इस बात के आगे, अब इसके बाद जो मेरे विचार हैं, वो क्या हो गए हैं, वो ब्लडी हो गए हैं और नथिंग बर्थ, या कुछ भी नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ, कि इस बात के बाद, माई थॉट बी ब्लडी
मेरे जो विचार है, मेरी जो थॉट है वो क्या हो गई है फ्रेंड्स, माय थॉट्स बी ब्लडी, वो ब्लडी हो गई है, वो खतरनाक हो गई है, और बी नथिंग बट, और कुछ नहीं है, और किसी योग्य वर्ब नहीं है। ये एक्चुअल में हैमलेट कह रहे हैं बिफोर ही गोज बैक टू डेनमार्क, वो डेनमार्क जाने से पहले वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं डेनमार्क जाऊंगा, मेरी जो थॉट है, मेरे जो विचार है वो ब्लडी हो गए हैं, अब मुझे क्या करना है, डेनमार्क में जाना है और सबको मार देना है। ये थॉट हैमलेट के मन में आती है। क्लियर फ्रेंड्स? क्लियर? ये भी इंसिडेंट भी लिख देता हूं, चलिए। बिफोर ही गोज बैक टू डेनमार्क, बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? एंजॉय कर रहे होंगे, आई होप मजा आ रहा होगा सीखने में इनको। तो चलिए नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिटिल मोर देन किंग एंड लेस देन काइंड, a little more than can, and less than kind। अब देखिए यार, किन किन का मतलब होता है फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिश्तेदार, एक रिश्तेदार से थोड़ा सा अधिक है, लेकिन जो दयालुता है, दयालुता, काइंडनेस से दयालु से थोड़ा कम है, मीन्स रिश्तेदार से तो अधिक है लेकिन कम दयालु है। एक्चुअल में हैमलेट कहते हैं इसको, जब क्लाडियस उनसे क्वेश्चन करता है, क्लाडियस हैमलेट को कहता है कि उसे अपने फादर की डेथ पर दुखी नहीं होना चाहिए, तब हैमलेट राजा से, यानी अपने जो चाचा है उसका क्लाडियस, क्लाडियस से वो इन शब्दों के माध्यम से वो नफरत करते हुए, नफरत के भाव, जब वो इस कोटेशन को कह रहे हैं तो नफरत के भाव उनके पास है, a little more than kin and less than kind। क्लियर है बात? कौन कहते हैं? हैमलेट ऑन क्लाडियस। क्लियर? हैमलेट की कोटेशन है, और कब कह रहे हैं वो? वो जब कह रहे हैं, जब क्लाडियस उनसे कह रहा है कि अब उन्हें अपने फादर की डेथ पे सोरो नहीं होना चाहिए, सोरो नहीं फील करना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, बड़ी प्यारी कोटेशन, मुझे बड़ी ही प्यारी लगती है। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, कि कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी खराब नहीं है। चलिए नोट कर लेते हैं पहले। देयर इज नथिंग, कि कुछ भी नहीं है आइदर गुड और बैड, ना अच्छा ना बुरा, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। अब देखिए कितनी प्यारी बात कह दी है यहां शेक्सपियर ने हैमलेट के माध्यम से, कि कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है, बट थिंकिंग मेक्स इट सो, लेकिन जो थिंकिंग है हमारी वो इसको अच्छा बनाती है या बुरा बनाती है। एक्चुअल में कोटेशन कहां है? हैमलेट का जो क्लासमेट है वो अपने क्लासमेट से इस बात को कह रहा है, किससे? अपने क्लासमेट से इस बात को कह रहा है कि ना तो कुछ बुरा है और ना ही अच्छा है, हमारी थिंकिंग इसको अच्छा या बुरा बनाती है। एक्चुअल में वो डेनमार्क से नफरत करता था, हैमलेट जो डेनमार्क से घृणा करता था, जो डेनमार्क को बुरा समझता था, अब वो अपने फ्रेंड्स रोजन केंट्स से, और जो उसके ग्लिंट स्टर्न उसके फ्रेंड्स हैं, उनसे कह रहा है कि मेरे लिए तो डेनमार्क बुरा है लेकिन तुम्हारे लिए जो डेनमार्क है वो अच्छा है। तो तब वो इस बात को कहता है कि नथिंग इज आइदर गुड और बैड। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, what a piece of work is
मैन, कि जो मैन है, मनुष्य है, वो क्या है, वो किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का आदमी है, हाउ नॉवल इन रीजन। कि जो तर्क है उसमें इतना कुलीन, इतना अच्छा, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, और कितना फैकल्टी, और कितना अनंत है, कितना विस्तृत है, कि मनुष्य किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का पीस ईश्वर ने मनुष्य को बना दिया, किस तरह का एक पीस ऑफ वॉक, किस तरह का व्यक्ति, किस तरह का इंसान को बना दिया है। एक्चुअल में हैमलेट की ये फिलोसॉफिकल थॉट है, फिलोसॉफिकल थॉट है। वो कह रहे हैं कि वो जो मैन क्रिएटिंग है, ईश्वर की जो रचना है व्यक्ति, उसको कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो मैन है, जो मनुष्य है, वो पैरागॉन है, किसमें, जितने भी एनिमल्स है सब में वो पैरागॉन है, सब में वो बड़ा है। क्लियर फ्रेंड्स, इस थॉट के माध्यम से, इस कोट के माध्यम से वो इस बात को कह रहे हैं। बात क्लियर हो गई है? हैमलेट। और वो कहना चाह रहे हैं यहां मैन इज द पैरागॉन ऑफ ऑल एनिमल्स। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द प्लेस द थिंग वी आर इन आई कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग। कि जो प्ले है, तो चलिए पहले नोट कर देता हूं, द प्लेस द थिंग वी आर इन, कि जो प्ले है, जो नाटक है, वो ऐसी वस्तु है, वी आर इन आई कैच क्या, कंसाइंस ऑफ द किंग। देखिए एक्चुअल में जब गोस्ट के माध्यम से हैमलेट को पता लग गया कि उसके फादर की जो डेथ हुई है वो उसके चाचा के थ्रू हुई है, उसका फादर का मर्डर उसके चाचा ने कराया है, तब वो एक प्ले वहां परफॉर्म कराता है। और प्ले कौन होता है फ्रेंड, प्ले का जो टाइटल है वो होता है माउस ट्रैप। उस नाटक के अंदर, नाटक वहां चलता है, और उस प्ले के माध्यम से वो ये कहना चाहता है, वो होरेशियो से, इस कोटेशन को वो होरेशियो से कह रहा है, वो ही होरेशियो से कह रहा है कि एक प्ले के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से मैं पता कर लूंगा कि इस नाटक को देख के, उस नाटक में माउस ट्रैप में क्या होता है, वहां उसके फादर का मर्डर दिखाया जाता है, कि अगर उस मर्डर को देख के, अगर जो फादर है, जो फादर के मर्डर को देख के, अगर जो इसका चाचा अगर विचलित तो होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका चाचा ही वो असली गुनहगार है। क्लियर है बात फ्रेंड्स? तो हैमलेट यहां होरेशियो से कह रहा है इस बात को कि द प्लेस द थिंग वेयर इन आई विल कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग। कि ये नाटक वो वस्तु है, इसके माध्यम से मैं जो राजा की आत्मा है उसको मैं पकड़ लूंगा, उसको मैं कैच कर लूंगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। बड़ी फेमस लाइन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए बी का जो अर्थ है वो होना है, कि होना और क्या होना फ्रेंड्स, एक्चुअल में हैमलेट की एक सोलिलोकी है, और जब सोलिलोकी को हम, जो 7 सोलिलोकीज हैं उनको जब हम डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल तो ये छोटी सी कोट, जो कोट है ये सोलिलोकी मैंने यहाँ लिख दी है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। प्रश्न ये है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। क्लियर है बात? एक्चुअल फ्रेंड्स जो हैमलेट है वो डिलेमा में है इन लाइंस के, इस सोलिलोकी में ये कह रहा है कि वो डिलेमा में है, मींस वो दुविधा में है।
वो कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ को खत्म कर लूं, या जो इन सफरिंग है, जो सफरिंग्स है, जो इनजस्टिस है, या उसको सहन करूं, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर है बात? ये हैमलेट सोलिलोकी है। और हैमलेट किस में है फ्रेंड्स? इन डिलेमा में है। डिलेमा क्या होता है फ्रेंड्स? दुविधा होती है। टू चूज हिज लाइफ और ही शुड बी टू एंड हिज लाइफ और ही शुड बी अर द सफरिंग्स एंड इनजस्टिस। क्लियर? आई स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। आई स्पीक डैगर्स टू हर। डैगर क्या होता है फ्रेंड्स? डैगर कहते हैं खंजर को। खंजर जानते हैं आप। आई स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। कि मैं उसको, उसके प्रति मैं डैगर को यूज कर, मैं डैगर बोलूंगा, मीन्स मैं उस, मेरे जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, हैमलेट यहां एक्सप्रेस कर रहा है जो पर्पस ऑफ स्पीकिंग टू हिज मदर। वो अपना पर्पस अपनी माँ के लिए कह, अपना जो उद्देश्य अपनी माँ के लिए उसको एक्सप्रेस कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं बड़ा कड़वे शब्द बोलूंगा बट यूज नन। अपनी माँ के लिए कड़वे शब्द तो बोलूंगा लेकिन मैं कभी खंजर को यूज नहीं करूंगा। मेरे शब्द तो खंजर के समान होंगे लेकिन खंजर में यूज नहीं करूंगा। क्लियर है फ्रेंड्स? हैमलेट कह रहा है और क्या कर रहा है, वो अपना पर्पज है वो एक्सप्रेस कर रहा है टूवर्ड्स हिज मदर। क्लियर? और वो क्यों है, वो इतना जो लोथ है उसके मन में, इतनी घृणा है, वो क्यों है? वो घृणा इसलिए है कि उसके फादर की डेथ के बहुत जल्दी ही उसकी माँ ने उसके चाचा से शादी कर ली थी। क्लियर? उसकी जो हैस्टी मैरिज है उसके प्रति उसके मन में, हैमलेट के मन में नफरत भरा हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स? Now cracks a noble heart, good night, sweet prince. Now cracks a noble heart. देखिए इस लाइन को, कि अब जो एक नोबल हार्ट है, एक कुलीन हृदय है, वो क्रैक हो गया है, वो क्रैक हो जाता है, मींस वो कुलीन हृदय टूट गया, मींस अब वो चला गया है। गुड नाइट स्वीट फ्रेंड्स। प्रिय मित्रों, आपको अलविदा। कौन कह रहा है फ्रेंड्स? होरेशियो कह रहा है इन द एंड, अंत में होरेशियो कह रहा है इस बात को। हैमलेट जो है वो मर रहा है, हैमलेट की मौत पे होरेशियो इस बात को कह रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? और हैमलेट कैसे मरा था? जो लाल्टर था, लाल्टर जब ड्यूल चल रहा था, दोनों में फाइट चल रही थी, लड़ाई चल रही थी लाल्टर में और हैमलेट में, तो लाल्टर उसको स्टैब करके मार देता हैमलेट को। तब हैमलेट जब मर जाता है, जब वो मर रहा है, तब इस बात को होरेशियो कह रहा है, कह रहा है कि नाउ क्रैक्स अ नोबल हार्ट, कि अब तो एक कुलीन हृदय अब चला गया है, अब मर रहा है और अब सबको अलविदा। क्लियर है फ्रेंड्स? होरेशियो, और कब कह रहा है? स्पीक्स इन द एंड। When Hamlet is dying, जब हैमलेट मर रहा है। क्लियर है बात फ्रेंड्स? और देखिए हम बहुत सारी बातें हम यहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। होरेशियो स्पीक्स इन द एंड, स्पीक्स कि होरेशियो कहता है, कह रहा है। फ्रेंड्स एक्चुअल में जो कोई प्ले होता है, जब वो परफॉर्म होता है, तो वहां जो टेंस यूज किया जाता है वो प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है, वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। क्लियर? यानी आप प्ले को ऐसा फील कर रहे होंगे कि जैसे वो चीजें आपके अंदर है। तो फ्रेंड्स लेक्चर काफी लेंदी हो गया, कोटेशन बहुत है, और हैमलेट में तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा कोटेशन हैमलेट में ही है। चलिए आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फ्रेंड्स कुछ और कोटेशंस के साथ। कुछ और कोटेशंस को हम इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दें, अच्छा लगा तब भी और खराब लगा तब भी।
और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।